सागर या श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के एक एक अंगों का वर्णन किया जाता है, तो हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि क्या राज्य के नेत्र वैसे ही होते होंगे। वाणी का कथन है, जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का, ए सबसे न्यारा सुभान जो अर्ष सजीव में बका। हमने इस संसार में पंचभूतात्मक रूप, कश्मीर के लोग बहुत सुंदर होते हैं और दुनिया में सबसे सुंदर हुंजा घाटी के लोग होते हैं, जानते हैं, 100 साल आज भी होती है प्रायः। इंग्लैंड के लोग सुंदर होते हैं, यहाँ का सौंदर्य जो है जलवायु पर निर्भर करता है। अफ्रीका में बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ के लोगों का रंग काला पड़ जाता है। हमने अपनी आँखों से माया के रूपों को देखा होता है और उसमें भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सौंदर्य का क्षरण होता जाता है। जो सौंदर्य किशोरावस्था में आकर्षित करने वाला होता है, बुढ़ापे में वही कुरूपता का पर्याय बन जाता है। जिस सौंदर्य को हमने देखा नहीं उसके वर्णन की यहाँ पर बात चल रही है। काल माया के ब्रह्मांड में यदि देखा जाए तो पृथ्वी लोक से ज़्यादा सुंदर स्वर्ग के लोग होते हैं। स्वर्ग में कहा जाता है कि देवताओं में इंद्र और शची का वर्णन आता है। देवराज इंद्र की पत्नी शची को सुंदर माना जाता है, लेकिन सबसे सुंदर रति और कामदेव की बात कही जाती है। इसको पाश्चात्य साहित्य में कुपिड और वेनस के नाम से कहा जाता है कि संसार में देवताओं में इनके जैसा कोई सुंदर नहीं। धर्म ग्रंथों में जब उपमा दी जाती है तो नारी के सौंदर्य को रति से तुलना की जाती है। भीतक में एक प्रसंग आता है कि इस कालमय के ब्रह्मांड में केवल 2-3 का ही सुंदर रूप सुनने में आता है। अब सोचिए, जब युगलदास जी वर्णन करते हैं चर्चनी का, तो ये कहते हैं कि करोड़ों रति की सुंदरता, करोड़ों लक्ष्मी की सुंदरता, श्यामा जी के नख के एक नख के सामने कुछ भी नहीं है। राज का वर्णन किसने किया? सुखदेव जी ने, राज जी के जोश ने करवाया। सुखदेव ऐसा व्यक्तित्व है जिनको यह पता नहीं कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। हम सुंदर जात का मन स्त्री और पुरुष के धरातल पर विचरण करता है। हमारे हृदय में भले ही परम धाम की आत्मा है तो क्या सुखदेव जैसी पवित्रता तो नहीं अभी हो पाई है कि हम स्त्री पुरुष का भेद मिटा दें। हमने अभी इन आंखों से बेहद के सौंदर्य को नहीं देखा है, स्वर्ग के भी सौंदर्य को नहीं देखा है। जब हम वाणी पढ़ते हैं तो परम धाम के मूल संबंध से यदि राज्य की थोड़ी सी कृपा की एक झलक हमें प्राप्त हो जाए तो हम थोड़ा सा अनुमान केवल कर सकते हैं कि श्यामा जी का मुखारविंद ऐसा होगा, राज्य का मुखारविंद ऐसा होगा। आप सोचिए, योग माया के ब्रह्मांड के बारे में कलश की वाणी कहती है कि हेम जवेर के बन कहूं तो भी ये झूठी वस्त्र। यदि नित्य वृंदावन के वृक्षों का वर्णन किया जाए और ये कहा जाए कि हीरे जवरातों के वन हैं तो झूठी उपमा है। एक एक पत्ते में करोड़ों सूरज छिप जाते हैं, ऐसा नित्य वृंदावन के वृक्ष हैं, तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें लीला करने वाले राधा कृष्ण का सौंदर्य कैसा होगा जो राजी श्यामा जी ने धारण किया था। ये तो सबलिक के अंदर के सौंदर्य का वर्णन है। सबलिक से अधिक तेज और सौंदर्य कहाँ है? केवल में। उससे अधिक तेज और सौंदर्य कहाँ है? सत्स्वरूप में। हमारी बुद्धि सोच भी नहीं सकती क्योंकि हमने तुलना के लिए कहाँ कहाँ का सौंदर्य देखा है? कश्मीर का देखा है, लंदन का देखा है, रशियन का देखा है। हम तो अंदाज लगा सकते हैं कि मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, लालिमा से भरपूर मुखारविंद होगा। जिस अवर्णनीय सौंदर्य का वर्णन ब्रह्मवाणी में किया है वो हमारी मानवीय बुद्धि से सोचा नहीं जा सकता। केवल एक आधार लिया जाता है कि राज्य का मुखारविंद ऐसा होगा। अब आप सोच सकते हैं कि जब श्याम जी के मंदिर में
राज जी ने देवचंद जी को दर्शन दिया तो उनको वो मुखारविंद कैसा दिख रहा होगा। इन सुखमन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश। हमारी आंखें जितने सौंदर्य को सहन कर सकती है, हमारा हृदय सौंदर्य के अनंत सागर को जितना सहन करने में सामर्थ्यवान है, उतना ही राज्य अपना सौंदर्य दिखाएंगे। यदि सौंदर्य की उस राशि को दिखा दिया जाए पूर्ण रूप से, मुझे नहीं लगता कि कालमाया के ब्रह्मांड में कोई ऐसा हो जो उस सौंदर्य को देखने के बाद जीवित रखने की सामर्थ्य रख सकता हो। एक कंगाल जिसने जीवन भर भिक्षा मांग मांग कर गुजारा किया हो, 100 रुपये का नोट नहीं देखा हो, उसको 2000 के नोटों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा गोदाम दिखा दिया जाए और कह दिया जाए कि इसके मालिक तुम ही हो, तो क्या होगा? तो पागल हो जाएगा। वैसे ही इस श्रृंगार ग्रंथ में हमारी आत्मा जितना झेल सकती है इस शरीर के माफक, क्योंकि इस जीव की सीमा है। इस बेचारे जीव ने कभी योग माया तो क्या स्वर्ग का भी सौंदर्य नहीं देखा है, विष्णु भगवान के सौंदर्य को नहीं देखा है। भाव सिंह के साथ यही होता है, भाव सिंह जिद कर बैठते हैं कि राज्य मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, आप मुझे कृपा करके एक बार कुछ झलक दिखा दीजिए। परम धाम की शोभा नहीं दिखाई, केवल योग माया का थोड़ा सा एक योग माया की एक झलक सी दिखा दी, योग माया का दृश्य कैसे रास हो रही है। बस अब उनका जीव सोचा कि मैं इस अलौकिक सौंदर्य को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, और शरीर छोड़ दिया। तो आपको चितवनी में डरने की जरूरत नहीं है कि यदि हम राज्य के नेत्रों की तरफ देखेंगे तो हमारा शरीर छूट जाएगा, यह आपके समर्पण के ऊपर है। क्योंकि सागर ग्रंथ में क्या कहा गया है, पीव नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। राज्य के नेत्रों से नेत्र मिलाना है। आप कहेंगे कि राज्य के चरण तो दिखते नहीं, मुखारविंद तो दिखता नहीं, तो नेत्र कैसे मिला लेंगे? जब हमें जागने के स्तर पर आगे बढ़ना है तो नेत्रों से नेत्र तो मिलाना पड़ेगा, लेकिन कैसे नेत्र मिलाएं जब मुखारविंद कहीं झलक की झलक नहीं हो पा रही है? परम धाम में हर अंग में समान गुण है, जो गुण नयनों में है वही गुण चरणों में भी है, वही मुखारविंद में है, वही हृदय कमल है और वही हस्तकमल में है। लेकिन इस माया के संसार में अलग अलग अंगों की अलग अलग महत्ता है। सभी गुण समान कालमाया के ब्रह्मांड में नहीं हो सकते। जैसे जब हमारे मन में किसी के प्रति आदर सूचक प्रेम होता है, तो भाव होता है, तो क्या करते हैं हम? चरणों में शीश झुकाते हैं, चरणों को छूते हैं, चरणों को देखते हैं। किसी के प्रति वात्सल्य स्नेह होता है छोटे को, तो क्या कहते हैं? उसके सिर पर हाथ रखते हैं, उसके माथे को चूमते हैं, उसके पैरों को नहीं चूम सकते। हृदय में स्नेह है, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को क्या करेगी, उसके माथे को ही चूमेगी, पैरों को नहीं चूमेगी। हाँ, पति के पैरों को तो चूम सकती है, बच्चे के पैरों को नहीं चूम सकती। एक ही माँ है, उसके हृदय में जो प्रेम भरा है, पति से भी लगाव है, बच्चे से भी लगाव है, व्यवहार अलग अलग बन जाएगा। किंतु परम धाम में ऐसा नहीं है। एक एक इंद्रिय गुण पांचों, हर इंद्रिय में पांचों का गुण है। जो गुण हृदय में है, जो गुण हृदय में ने सो मुख पर देखे जाए। राज्य के हृदय में क्या है? अनंत प्रेम है, निस्बत का सुख है, वहदत का सुख है, एकत्व का सुख है, इल्म का सुख है। वो सारा गुण मुख पर देखे जा सकते हैं, लेकिन यदि हमारे हृदय में इल्म की मारिफत आ गई, इल्म की मारिफत अलग है और इश्क की मारिफत अलग है। इल्म की मारिफत का अर्थ क्या होता है? सागर और श्रृंगार का यू गुह ज्ञान हमारे हृदय में जब प्रवेश कर जाता है तो परिणाम क्या होता है? मारिफत देवे इश्क,
इसके हुए दीदार, मार्फत देवेश, मार्फत का इल्म आता है तो राज्य का दर्शन होता है। इसके मिली हक्सों, इसके खुले पट द्वार, जब मार्फत का इल्म आएगा तो हकीकत का इश्क आता है, हकीकत का इश्क आता है तो राज्य का दीदार होता है। राज्य के दीदार के बाद अब हमारी आत्मिक अवस्था की मार्फत, दीदार की हकीकत अलग है। राज्य का नक्शे सिख तक सिंगार दिख गया, श्यामा जी का नक्शे सिख तक सिंगार दिख गया, 25 पक्षों का सारा सौंदर्य दिख गया, ये है हकीकत। अब मार्फत में प्रवेश करना है, इसके लिए क्या करना होगा? अब श्रृंगार ग्रंथ में एक एक अंग की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। हक मासुक के चरण अंग, हक मासुक के खुले अंग छाती, हक मासुक के मुखारविंद, हक मासुक के श्रवण अंग, हक मासुक की नासिका, नाक कैसी है? यदि आपके हृदय में प्रेम की अटूट धारा है तो आप नासिका से भी वही सुख ले सकते हैं जो नेत्रों से मिलेगा, आप होठों से भी वही सुख ले सकते हैं जो नेत्रों से मिलेगा, क्योंकि अंग अंग में समानता है, यहां की तरह भेदभाव नहीं है। लेकिन जिस धरातल में हम पले बढ़े हैं उसमें ये वहदत की बात कभी समझ नहीं आती, इसलिए तो सारी जिंदगी बीत जाती है, शरीयत की तलवार हमारे सिर पर लटकती रहती है। कोई भी सुंदर सा चित्र बनाएगा तो क्या सोचेगा? ऐसे राजी श्यामा जी का चित्र तो नहीं बना सकते, लेकिन श्यामा जी को हमेशा बाएं ही बैठाया जाएगा, क्योंकि इस संसार में नारी को बामांगी कहा जाता है। वाणी क्या कहती है? शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए, दो आवत एक नजर। अंतर की दृष्टि देखेंगे तो राज्य के हृदय में श्यामा जी हैं और श्यामा जी के हृदय में राज्य है। आपकी इच्छा हो कि राज्य की जगह श्यामा जी दिखें तो दिख जाएगा, और श्यामा जी की जगह राज्य दिखें तो दिख जाएंगे। वो प्रेम की, अनन्य प्रेम की भूमिका है, वहां इस संसार का कर्मकांड का नियम नहीं चलता। कर्मकांड के नियम तो हमने सारे कुछ बांध रखे। इसे जब परिक्रमा ग्रंथ में अष्टभर की लीला का वर्णन होता है तो उसमें सीधे कह दिया जाता है, श्री राज उतारे बस्तर, पहनी पिछोरी कमर पर। अब जिस समय वाणी का अवतरण हो रहा था उस समय परंपरा थी, जब कोई भी राजा महाराजा बड़ा व्यक्तित्व भोजन करता था तो अपने वस्त्रों को उतार देता था, सामान्य परंपरा थी, ताकि जूठन न गिर जाए। और वाणी में वैसा वर्णन कर दिया गया, क्यों? क्योंकि हमारा जीव उन्हीं संस्कारों में पला हुआ है। आप ये सोचे कि परम धाम में भी राज्य वस्त्र उतारते हैं तो मेरा हृदय तो गवाही नहीं देगा, क्योंकि कालमय के सब नियम है, परम धाम में ये सब नियम लागू नहीं हो सकते। लेकिन जिस भाव में संसार में हम रह रहे हैं उसी भाव में परम धाम की शोभा का वर्णन किया गया है। अर्श का वर्णन किया, ले मसाला इत का, यहाँ का मसाला का तात्पर्य क्या है? यहाँ के भावों से, ताकि हमारी बुद्धि किसी तरह से ग्रहण कर सके। आप सोचिए, अक्षर ब्रह्म, कल रात की चर्चा में मैंने बोला था, अक्षर ब्रह्म सखियों के नख के प्रतिबिंब को देखकर वे शुद्ध हो जाते हैं, सोचते हैं कि इतना आनंद सौंदर्य जब है प्रतिबिंब में तो वास्तव में वह रूप क्या होगा। तो वह अक्षर ब्रह्म जिनकी सुरता कही जाती है, सुखदेव, विष्णु भगवान, सनकादिक, कबीर जी और शंकर जी। शंकर जी क्या कहते हैं महेश्वर तंत्र में कि हे उमा, परम धाम तो क्या, व्यास जी से पुराण संहिता में कहते हैं और उमा से महेश्वर तंत्र में कहते हैं, मैं करोड़ों कल्पों में, एक दो कल्प नहीं करोड़ों कल्पों में भी परम धाम के एक पत्ते का भी वर्णन करने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। एक कल्प में कितने वर्ष होते हैं? 4,32,00,000 वर्ष। शंकर जी कह रहे हैं कि करोड़ों कल्प बीत जाए तो भी मैं परम धाम के किसी वृक्ष के पत्ते का सौंदर्य वर्णन नहीं कर सकता। तो आप सोचिए, हम लोगों का तो रूप रंग क्या है? कुछ भी नहीं। शंकर जी की वंदना में जो श्लोक बोला जाता है, क्या कहा जाता है? कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। उनका रंग कर्पूर के समान गौर वर्ण का है।
इस संसार के भक्त तो शंकर जी और पार्वती जी के सौंदर्य को देख करके विस्मित हो जाएंगे। आपको वर्णन सुनना हो तो कालिदास की रचना पढ़ करके देखिए। कालिदास ने माता पार्वती के श्रृंगार का किस तरह से वर्णन किया है। संसार वाले क्या समझते हैं कि लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती और आदि नारायण की महाशक्ति महामाया का सौंदर्य यदि अरबों गुना कर दिया जाए तो भी सखियों के एक नख की भी बराबरी नहीं कर सकता है। तो आज कमानो मन जिसको लेकर हमारी आत्मा बैठी है उस स्वरूप के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ, जैसे हम गंगोत्री पहुंच गए, गंगा का शुद्ध जल पीने की इच्छा है तो क्या किया जाएगा? गंगोत्री का सारा जल तो हमारे पेट में डाला नहीं जाएगा, हमारी प्यास तो एक गिलास से बुझ सकती है। उसी तरह से गंगोत्री के अथाह जल से एक गिलास पानी केवल हमें वर्णित करके बताया जा रहा है। देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकुल, अरवा है जो अर्श की सो जिन जाओ किनपुर। संबोधन है सबके लिए। मेरी परमधाम की आत्माओं, देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकुल, राज्य के नेत्रों की देखो। उन नेत्रों में क्या है? नेत्र हृदय के भावों को व्यक्त करते हैं। आप किसी से मिलिए, वो मुख से बहुत अच्छा भी बोलेंगे लेकिन हृदय में कड़वाहट है तो नेत्र बता देते हैं कि नहीं, जो ये शब्द बोला जा रहा है गले के ऊपर से बोला जा रहा है, हृदय से नहीं बोला जा रहा है। किसी के हृदय में यदि प्रेम है तो वो नेत्रों के द्वारा ही प्रकट होता है। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा भारतीय रो रहा है, उसकी माँ कहीं चली गई है, उसके सामने कोई रशियन महिला आ जाती है, छोटे बच्चे की भाषा वह नहीं समझती, बच्चा रशियन महिला की बात नहीं समझ सकता, लेकिन आंखों की भाषा दोनों समझते हैं मुख से बोले बिना। आंखें बता देंगी उस माँ की, उस बच्चे को, कि ये माँ भले ही विदेशी है तो क्या मेरे से प्रेम कर रही है। और अपनी भी माँ कुछ बोले नहीं, हृदय में गुस्सा ले, तो बच्चा आंखों की भाषा को देखकर ही समझ जाता है कि आज मां बहुत क्रोध में। ये नैन क्या है? ये नेत्र राज्य के हृदय में प्रवेश करने का द्वार खोलते हैं। परम धाम की दृष्टि देखेंगे तो केवल नैन ही नहीं, चरण भी राज्य के हृदय में प्रवेश करने का द्वार खोलेगा, लेकिन हमारा स्तर वैसा होना चाहिए कि हम चरणों को देखकर भी उस प्रेम में डूब जाए, जैसे नेत्रों में देखकर हम राज्य के हृदय में डुबकी लगाने का मार्ग खोजा करते हैं। जैसे मैं आपको एक संसारिक दृष्टांत दे रहा हूं क्योंकि सागर और श्रृंगार का विषय बहुत गहरा होता है। शब्दार्थ आप टीका में भी पढ़ सकते हैं। यदि आप किसी भाई से मिलते हैं तो आपके नेत्रों की भाषा कुछ और होती है, मित्र से मिलते हैं तो भाषा कुछ और होती है, पत्नी या प्रेमिका से मिलते हैं तो नेत्रों की भाषा कुछ और होती है, माता पिता या गुरुजनों से मिलते हैं तो आपके नेत्रों की भाषा कुछ और होती है। मुख से बोला नहीं जाएगा, नेत्र बता देते हैं कि ये किसकी भाषा है। जैसे ये बातें ज्यादा विस्तृत करने की नहीं है, सबको पता है कि जब हम भाई भाई से मिलते हैं तो हमारे चेहरे पर कैसे भाव आते हैं, मित्र से मिलते हैं तो कैसे भाव आते हैं, पत्नी के सामने जाते हैं तो कैसे भाव आते हैं, बहन के सामने जाते हैं तो कैसे भाव होते हैं। भाव सबके लिए है लेकिन चेहरे के भाव, हृदय के भाव, चेहरे पर जो रूप में परिवर्तन होता है, संवेदना होती है, वो आंखों के माध्यम से प्रकट हो जाती है। आप सोचिए, अक्षरातीत अपने हृदय में क्या लिए बैठे हैं? अनंत प्रेम का सागर लिए बैठे हैं आपके लिए। सौंदर्य की राशि उनके एक एक अंग में क्रिया कर रही है
और वह सौंदर्य की राह से राजी आपको लुटाना चाहते हैं, आपके हृदय में उतारना चाहते हैं, ताकि आपकी आत्मा इस माया के संसार में कभी भी लिप्त न होने पाए। यदि मैं आपको एक छोटे से दृष्टांत से दे दूं, आप घर के मालिक हैं, स्वामी हैं, जब आप घर आते हैं, खिलौने से भरा हुआ एक बहुत बड़ा थैला लेकर आते हैं तो बच्चा उछलने लगता है, आपका कूदने लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे लिए बहुत कुछ उपहार आया है। ये तो माया के झूठे खिलौने हैं। अक्षरातीत के हृदय में जो कुछ है वो सब कुछ उड़ेल देना चाहते हैं, तभी तो आसिक है। आसिक की परिभाषा क्या होती है? कोट बेर मासूक पर उड़ाए देवे अपना तन। हम सुंदर साथ थोड़ी सी चितवनी करते हैं, थोड़ी सी वाणी पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी सेवा कर देते हैं, तो क्या कहते हैं कि हम राज्य के आसिक हैं। और राज्य परम धाम से कहते आ रहे हैं कि रूह मेरा और तुम्हारा कोई अलग स्वरूप नहीं है, असल अर्ज के बीच में हक का नाम आसिक। और वह अक्षरातीत आपको क्या देना चाहते हैं? आपको वहदत का सुख देना चाहते हैं, निस्बत का सुख देना चाहते हैं। वहदत का सुख क्या है? हमारा तुम्हारा दिल एक है। निस्बत का सुख क्या है? निस्बत का सुख ये है कि तुम्हारा तन मेरा तन है, हम दो कभी न थे न हैं न कभी होंगे, ये निस्बत का सुख है। इसके का सुख क्या है कि हमारी आत्मा के हृदय में उनकी छवि अखंड रूप से बसी रहे, संसार कभी नजर न आए। जैसे रसखान की मस्ती देखिए, मैंने कल भी जिक्र किया था, रसखान ने श्री कृष्ण की मूर्ति का सौंदर्य देखा है, अखंड रास बिहारी का सौंदर्य नहीं देखा, लेकिन उस मूर्ति के सौंदर्य में रसखान इतने पागल हो गए हैं कि वृंदावन की गलियों में कृष्ण कृष्ण कह करके पागल हो जाते हैं, तीन तीन दिन तक भोजन नहीं करते। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जोख हो तो बसेर करो मुइल कालिंद कुल कदम के डारन। उनके हृदय की पीड़ा व्यक्त होती है कि हे कन्हैया, यदि मुझे मनुष्य बनाओ तो ब्रज में बनाना, यदि मुझे पक्षी बनाना तो ब्रजमंडल का पक्षी बनाना, जिस और उस कदम पर मैं रहा हूँ। जो खग हो तो बसेर करो मिल कालिंद कुल कदम की डाला, पक्षी बना देना तो ब्रजमंडल में उस वृक्ष पर रहने वाला पक्षी बनाना, यमुना के किनारे जिस वृक्ष के नीचे आप क्रीड़ा किया करते थे। ये हृदय की भावना है। प्रेम करने वाला अपने प्रेमास्पद से एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहता, चाहे उसको पत्थर बनना पड़े, पत्थर बनना भी स्वीकार है। पाहन हो तो वही गिर को जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण। पत्थर बना दो तो उस गोवर्धन का पत्थर बना देना, जिसको इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए अपने अपने हाथों पर उठाया था। इन पंक्तियों का आशय क्या है? यह कोमल भावना है रसखान के हृदय की। हम सुंदर साथ रूखे हृदय से बैठ जाते हैं राज्य के लिए चितवनी में, राज्य कहां से आएंगे? हमने शरीयत की चादर ओढ़ी है, राज्य को एक देवता की तरह मानते हैं। चलो अब मेहर सागर का पाठ कर लिया, जल्दी से आंख मूंद लो, ध्यान कर लो, राज्य के नेत्रों को देख लें, कहां से देखेंगे राज्य? रसखान तो ब्रज बिहारी के रूप पर पागल है जो कालमाया के ब्रह्मांड में है। हमको परम धाम का सौंदर्य दिखना है, मुख मेरे महबूब का रंग तुजल गुलाल। चरणों के बारे में वाणी कहती है, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ये चरण मेहर करत, ये सुख जाने रू अरस के, जिन दिल दो कदम धरत। जिसके हृदय कमल में राज्य के दोनों चरण कमल विराजमान हो जाएंगे। ये सुख जाने रू अरस की, जिन दिल दो कदम धरत। जिसके हृदय में राज्य के दोनों चरण कमल झांझरी घुंघरी कांबी कलना से सुशोभित चरण कमल बस जाएंगे, वह आत्मा ही जानती है कि उन चरणों के विराजमान होने के बाद क्या होगा। पाणी का कथन है, जिसके दिल में दोनों चरणों की शोभा आ जाएगी, नख से सिख तक राज्य का पूरा श्रृंगार आ जाएगा।
हस्त कमल कैसे हैं, हृदय कमल कैसा है, माथा कैसा है, घुघराले बाल कैसे हैं, होठ कैसे हैं, कान कैसे हैं, गला कैसा है, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आपका मन हृदय कमल पे लगता है तो हृदय कमल की शोभा को देखिए। लेकिन मानव मन की विशेषता है कि या तो चरणों में ध्यान जाता है, या मुखारविंद पर जाता है, या प्रेम की गहराई हो गई तो नेत्रों पर जाती है। अलग अलग स्तर हैं। जैसे आपसे प्रारंभिक परिचय होता है किसी का सामान्य रूप से, तो आप क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे और गहराई बढ़ती जाती है आपके हृदय की, तो आप उसको चेहरे को देखते हैं, और गहराई बढ़ती है तो कुछ देखने की इच्छा नहीं होती, उसके नेत्रों की तरफ देखते हैं। मैंने पहले ही कह दिया है कि ये सारा वर्णन परम धाम का है, माया के संसार का नहीं। सुंदर सात परम धाम की लीला को संसार में जब घटाने लगता है तो वहां से भटकाव शुरू हो जाता है। अब उत्तर भारत के सुंदर सात को एक रोग लग गया। वहां हर सुंदर सात एक दूसरे की आंखों में देखा करते थे कि हम परम धाम का इसके ले रहे हैं। ये बीमारी लग गई थी कुछ साल पहले। भाई ये परम धाम की बातें हैं, माया के संसार की नहीं। आप यहाँ के संसार में किसी के नेत्रों की तरफ देखेंगे, कितनी देर तक देखोगे, वो भी परेशान हो जाएगा। इससे देखना ही है तो केवल राज्य के नेत्रों की तरफ देखिए, और इस माया के शरीर से हट करके देखिए। जब तक आप माया के शरीर का भाव रखेंगे, आपको कोई भी आध्यात्मिक सुख नहीं मिल सकता है। यदि राज का वर्णन करते समय परीक्षित प्रश्न कर देते हैं तो उस प्रश्न के कारण सुखदेव जी का ध्यान बट जाता है, जोश चला जाता है, तो भागे जोश कहीं पंचाध्यायी रास वर्णन न हुआ तिंताई। राज्य के जोश के बिना, आवेश के बिना परमधाम का कभी वर्णन नहीं हो सकता। युगलदास जी पहले ही कहते हैं कि राज्य की कृपा दृष्टि से ही मैं थोड़ा बहुत वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं। आप चितुनी में देखेंगे परम धाम को, लेकिन यथार्थ रूप में तभी वर्णन हो पाएगा जब राज्य का आदेश होगा, अन्यथा नहीं। अब ये नेत्रों का वर्णन क्यों किया जा रहा है? देखो नैना नूर जमाल जरू हो प्रसन्न को, ये क्यों? अब हमें हकीकत से मारिफत में पहुंचाया जा रहा है। एक एक अंग का वर्णन करने का यही आशय है। सागर ग्रंथ में आप देखेंगे राज्य और श्यामा जी का दोनों का साथ साथ वर्णन किया गया, हमारे परात्म का के स्वरूप का भी वर्णन किया गया है कि हम समझें कि हमारा स्वरूप क्या है। सुंदर सात से एक बहुत बड़ी भ्रांति हो रही है आज के समय में कि माया के संसार में हम जिस भाव से रहते हैं उसी तराजू से परम धाम को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे जो भाई भाइयों में कोई राजी बन जाता है तो बहनों में कोई श्यामा जी बन जाती है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। आप हर दिल में युगल स्वरूप को देखिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और आप इस मिट्टी के पुतले को हटा दीजिए। यदि आप राज्य का सुख लेना चाहते हैं तो इस माया के शरीर को भुला दीजिए कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। आपका स्वरूप क्या है? श्यामा जी जैसा। और श्यामा जी का स्वरूप कैसा है? राज्य जैसा। जब तक ये निर्विकारिता नहीं आएगी, आपको राज्य के स्वरूप का कभी भी आभास नहीं होगा, चाहे हजार साल लग जाए। माया की आंखों से, माया के चिंतन से, माया की बुद्धि से कभी भी परम धाम के राज्य श्यामा जी के न श्रृंगार को समझा जा सकता है, न परम धाम के प्रेम को समझा जा सकता है। अब नेत्रों में आप प्रवेश कर रहे हैं तो देखने वाला कौन है? ये आपका शरीर नहीं जो 40 साल का है, 25 साल का है या 80 साल का है। ये तो मिट्टी का पुतला है, ये जीव का शरीर है। इस जीव के शरीर में एक हृदय है जिसमें जीव रहता है। जीव के हृदय पर कौन बैठा है? परम धाम की आत्मा अपनी परात्म के दिल का प्रतिबिंब लेकर के, जिसमें परात्म की जिसमें परम धाम की सारी शोभा बसी हुई है। अब चितवनी द्वारा आपकी आत्मा जब नख से सिख तक राज्य की शोभा को देखने का प्रयास करती है, आपके हृदय में जब प्रेम आएगा तो आपकी बुद्धि समाप्त हो जाएगी। जब मन का संबंध नहीं रहेगा, बुद्धि का संबंध नहीं रहेगा, तब वास्तविक शोभा झलकेगी। और जब तक आपकी बुद्धि दौड़ रही है
आप चौपाइयों को पढ़ करके बुद्धि से दौड़ लगाएंगे, मन से दौड़ लगाएंगे कि राज्य के नेत्र ऐसे होंगे, तब तक आपको कुछ भी अनुभूति नहीं हो सकती है। हाँ, कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन वास्तव में जो है वो सामने तभी आएगा जब शरीर और संसार से अपरे हो जाएंगे। इसलिए इस प्रकरण की दूसरी चौपाई में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि दिल अर्स नाम धराए के नैना बरनो नूर जमाल, हाय हाय छेद न पड़े छाती मिने, रोम रोम लगे न रूहबाल। वर्णन किया जा रहा है श्याम राज्य के नेत्रों का कि मैंने तो अपने दिल को अर्स किया, दिल अर्स नाम धराए के नैना बरनो नूर जमाल, मुझ महामती को यह आदेश हुआ है कि मैं राज्य के नेत्रों का वर्णन करूं, मुझे शोभा मिल गई कि मेरा दिल धनी का अर्स है, क्योंकि मेरे हृदय में युगल स्वरूप की शोभा बसी है। महामती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे रोए रोम रोम में भाले क्यों नहीं लग जा रहे हैं, कि मेरा हृदय कितना कठोर है कि अब मैं राज्य के नेत्रों का वर्णन करने जा रही हूं। जिन नेत्रों के प्रेम भरी झलक से ये जीव शरीर को छोड़ देगा, उन नेत्रों का वर्णन करने का अब कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए महामती जी की आत्मा ने पहले ही सावचेत कर दिया है कि राज्य वर्णन करवाने जा रहे हैं, मेरे धाम हृदय में बैठकर परम धाम की आत्माओं के सुख के लिए वर्णन करने जा रहे हैं, तो मेरे हृदय को कुछ कठोर कर दिया जा रहा है, अन्यथा ये वर्णन हो ही नहीं सकता। आगे कह रहे हैं, जो अरवा हो कहावे अर्ज की, सुने बेशक हक बयान, हाय हाय झूठी देह को छोड़ के पहुंचत न थे प्राण। यदि परम धाम की आत्मा है और वो राज्य के नेत्रों की शोभा का वर्णन सुन ले, तो उसको तो शरीर को छोड़ देना चाहिए, शरीर को कैसे रख सकती है, यह आश्चर्य की बात है। मैं इतिहास की एक घटना बताने जा रहा हूं, मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि जहां राज्य के श्रृंगार का वर्णन हो रहा हो, ज्यादा संसारिक दृष्टांतों के देने से ध्यान बट जाता है, लेकिन व्यवस्था है कि उसके बिना तथ्य को समझाया भी नहीं जा सकता। एक राजा ने अपने एक राजकवि को नाराज होकर 12 वर्षों के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया था। वह राजकवि उस राज्य की नृतंगना की लड़की पर आसक्त था। 12 वर्षों में उसने एक काव्य लिखा। उस काव्य की कुछ पंक्तियां जब वापस राज्य में आने के बाद वो सुनाता है, तो राजा कहते हैं, तुम्हें जो मांगना हो मांगो। वो राजकवि कहता है कि महाराज, जिस नृतंगना की जो बेटी है उसे मुझे मिलवा दीजिए। राजा कहते हैं कि उसको बुला कर लाओ। वो नृतंगना की बेटी जो उस राजकवि को चाहती थी, हड्डियों का ढांचा बन चुकी है, चलने तक की ताकत नहीं। मैं इन संसार के झूठे प्रेमियों की बात कह रहा हूं। एक हृदय राजकवि का है जो राज्य से निष्कासित होता है, और एक हृदय उस राज्य की नृतंगना की बेटी का है जिसने अपने शरीर को हड्डियों का ढांचा बना रखा है। उसको लगता है कि मेरे कारण ही मेरे प्रेमी को राज्य से निष्कासित किया गया है। केवल एक बार भेंट हुई है। हम सुंदर साथ तो परम धाम का प्रेम लेकर भी संसार में फंस जाते हैं। ये संसार के पवित्र प्रेमी हैं। जब उसको लाया जाता है तो राजकवि की आंखें उस नृतंगना की बेटी से मिलती हैं और दोनों व्यसित हो जाते हैं। देखिए, दोनों को खड़े होने की ताकत नहीं। ये हृदय का ऐसा पवित्र लगाव है। तो आप सोचिए, राज्य के उस सौंदर्य के अनंत सागर जो मुखारविंद है, उसमें भी नेत्र जिसके माध्यम से सारा हृदय का प्रेम प्रवाहित होता है, वो ऐसा कौन सा कठोर हृदय होगा जो उसका वर्णन करने की सामर्थ्य रहे। हम सुंदर साथ को यदि एक सेकंड तो किया, थोड़ा एक सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर भी उस नेत्रों की झलक दिखा दी जाए, तो मुझे नहीं लगता सारा सौंदर्य को झेलने की शक्ति हमारे शरीर में होगी। ये ठीक है, राज्य हमारे ऊपर कृपा करते हैं, उस सौंदर्य को इतना कम करके दिखाएंगे ताकि हमारी तृप्ति भी हो जाए और हम देख भी सकें।
जैसे सूरज को देखना है तो क्या किया जाता है, टीवी में उगते हुए सूरज को दिखाया जाता है, सूरज भी उसमें दहक रहा होता है। हम सीधी आंखों से सूर्य को देखें तो हमारी आंखें अंधी हो जाएंगी, लेकिन टीवी में उगते हुए सूरज को हम देखेंगे तो कभी अंधे नहीं होंगे। उसका रूप रंग भी ऐसे ही होगा, लेकिन हमारे अंदर सहन करने की क्षमता होती है। उसी तरह से युवराज जी के नेत्र हैं, महामती जी के हृदय से वर्णन किया जा रहा है। हमें इस तरह का कर दिया गया है कि महामती जी की आत्मा अप्रत्यक्ष देख रही है कि राज जी के नेत्र कैसे हैं और उन नेत्रों में एक एक अंग में कैसी शोभा वर्णित की गई है। जैसे ये नेत्र है, नेत्र में क्या है, पुतली है, पुतली में क्या है, तारा है, नेत्र के ऊपर भौवें हैं और ये काली भौवें हैं और नेत्रों के पलकों की भौवें अलग हैं। जिसका एक एक अंग का वर्णन किया जाएगा और उन नेत्रों में क्या भरा है, राज्य का हृदय नेत्रों के रूप में प्रकट हो रहा है। उन नेत्रों में वही प्रेम है जो हृदय में उमड़ा करता है। नयन नयन मिलाए के अमीर रस से चत, अपने अंग रूहे जान के ने नए नए उपजावत। आप इस चौपाई को इस प्रसंग में समझिए। नयनो नयन मिलाए के अमीर रस से चत, राज्य परमधाम की आत्माओं की तरफ देखते हैं और अमृत की रसधारा से सिंचित करते हैं। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, मैं तो एक बहुत छोटा सा सुंदर साथ हूं। मेरे आने के बाद आप सुंदर साथ को ज्यादा नहीं कुछ तो खुशी होती होगी। मैं कहूं कि मैं आपके सामने मंच पर नहीं बोलूंगा, चारों तरफ से पर्दा कर दूंगा, केवल आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, तो आप क्या कहेंगे, मैं कोई सुंदर नहीं हूं, मेरे नेत्रों में कोई सुंदरता नहीं है, लेकिन आपके हृदय में थोड़ा बहुत भाव है तो क्या कहेंगे, नहीं हम आपको देखना चाहते हैं। क्यों, देख कर ही आपको संतुष्टि मिलती है। तो आप सोचिए, राज्य के हृदय में अनंत प्रेम है, उन्हीं के हृदय का अंग सखियां हैं, एक हृदय दूसरे हृदय के को देख रहा है, एक हृदय से दूसरे हृदय में प्रेम का प्रवाह हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, अमृत रस की धारा। नैनो नयन मिलाए के अमीर रस सिंचत, अपने अंग रूहे जान के नेह नए नए उपजावत। राज्य के दिल में क्या होता है, अपना हृदय लुटाना। हमसे राज्य ने केवल एक बार कहा है, एक बार इस कालमय के ब्रह्मांड में अपना दिल देने के लिए कहा है, हमसे वो नहीं हो पा रहा है। राज्य की लीला क्या है, परम धाम में हको काम कुछ और नहीं, देवे रिवो लाड लज्जत। हर पल राज्य अपने हृदय का प्रेम अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए लुटाते हैं। राज्य कहते हैं कि मैं अनंत काल से इनसे प्रेम कर रहा हूं, मैंने एक बार अपना हृदय लुटाना चाहे इन पर प्रत्यक्ष रूप में, तो उस मेरे प्रेम में बह गई। वो प्रेम क्या है कि अपने स्वरूप की पहचान देना, और अपने स्वरूप की पहचान देने के लिए ही राज्य ने ब्रज का खेल बनाया, रास का खेल बनाया, जागनी का ये ब्रह्मांड बनाया है। इस जागनी के ब्रह्मांड में अब हमें खेल का निर्णय कराना है कि कौन किसका आशिक है। ये निर्णय कैसे होगा, हमें मारिफत का स्तर कब प्राप्त होगा। देखिए परम धाम में जब तक लीला चल रही है हकीकत के आधार पर ही चल रही है, मारिफत में तो बेशुद्धि होती है। जैसे नमक का ढेला जब समुद्र की गहराई को नापने के लिए डुबकी लगाता है तो अपने अस्तित्व को भुला देता है, गल जाता है। उसी तरह से पांचवी भूमिका में प्रतिदिन मारिफत की लीला होती है, शेष सभी भूमिकाओं में हकीकत की लीला होती है। सखियां कभी यमुना जी में राज्य के साथ कीड़ा कर रही हैं, कभी झूला झूल रही हैं, कभी पश्चिम की चौगान में, ये सब हकीकत की लीला है। दीदार होता है तो भी हकीकत की लीला है। मारिफत की लीला क्या है, देखने वाला जिसको देखा जा रहा है वो भी बेशुद्ध है और जो देख रहा है वो भी बेशुद्ध है।
ये मार्फत के लिए रहा। राज जी हमको उस स्तर पर ले जा रहे हैं और उसके लिए क्या साधन है कि हम राज जी के नेत्रों की तरफ देखें, दीदार भी होगा नेत्रों से, लेकिन दीदार के लिए जो सरल तरीका बताया गया है राज जी ने, चारों जोड़े चरण के एजु अर्ष भूखन ये लिए हृदय मिने अवध स्वरूप पूरन। राज जी के दोनों चरणों में झांझरी घुंघरी और कांबी कड़ला के जो आभूषण है उससे जो युक्त शोभा है उस शोभा को हम दिल में देखें तो क्या होगा, नख से सिख तक राज जी का स्वरूप हमारे हृदय में उतर जाएगा। अब जब मारिफत में प्रवेश करना है तो हमें राज जी के नेत्रों में डुबकी लगानी पड़ेगी पुतलियों को, मैं हक देखूं हक देखे मुझे, आगे की चौपाइयों में यही भंडार है कि राज जी के नेत्रों की पुतलियां कैसी हैं, पुतलियों में तारे कैसे हैं। जब हमारी नज़र, आप सोच सकते हैं कि हम तो कालमाया के ब्रह्मांड में बैठे हैं, परात्म मूल मिलाव में बैठी है, तो परात्म राज जी के नेत्रों से नेत्र कैसे मिला सकती है, तो यह समझिए जैसे अभी मंच लगा हुआ है, जो पीछे के सुंदर साथ हैं उनको, वो तुमको तो पूरा नेत्र भी मेरा दिखाई नहीं पड़ेगा, तो नेत्र की पुतली और तारा कहाँ से दिखाई पड़ेगा। तो यह समझिए कि कालमाया का ब्रह्मांड है, यहाँ दूरी का महत्व है, परम धाम में दूरी का कोई महत्व नहीं है। और तो और जब आप चितवनी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो उसमें भी दूरी का कोई प्रश्न नहीं है। जैसे आपको यदि घुमट जी में जाना हो, दर्शन करना हो, तो क्या करना होगा, यहाँ से फ्लाइट से जाइए, रेलवे से जाइए या कार से जाइए, जैसे भी हो आपको घुमट जी जाना पड़ेगा, घुमट जी के सामने देखना होगा, क्योंकि इन नेत्रों से आपको देखना है। किंतु आपके हृदय में जो घुमट बस गया है, आप कहीं भी बैठे हैं आंखें बंद कर लीजिए, अंत के चक्षुओं से पल भर में आप घुमट जी जा सकते हैं, सब कुछ साक्षात देख सकते हैं। उसी तरह से जब आपके बाहर के नेत्र बंद हो जाएंगे, अंतर के नेत्र खुल जाएंगे, आप शरीर से परे हो जाएंगे, इस शरीर के काम क्रोध मद लोभ विकार सारे समाप्त हो जाएंगे, ये तो पहली अवस्था में ही खत्म हो जाने चाहिए। यदि आपके हृदय में विकार है तो राज जी की शोभा नजर नहीं आएगी, तो आपको ये निराशा नहीं पालनी चाहिए कि हमारे अंदर विकार है तो राज जी के दर्शन नहीं हो सकते। राज जी ने हमें इतनी एक छूट दे रखी है कि संसार के योगी यतियों के लिए विधान है कि जब तक वे पूरी तरह से निर्मल नहीं होंगे तब तक उनको दर्शन नहीं होगा। हमारे लिए छूट है, हमारे लिए एक दो चीजें चाहिए, हमारा समर्पण राज्य के लिए हो, अटूट विश्वास और समर्पण हो, और तीसरा है अटूट प्रेम हो जाए। जिस क्षण प्रेम की रसधारा हमारे हृदय में आएगी उस क्षण हमें कभी भी दर्शन हो सकता है। हो सकता है जीव ज्यादा पाप में लिप्त हो तो पुनः उससे विकार के काम हो सकते हैं, लेकिन होने नहीं चाहिए। यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा प्रेम है, तो यदि राज जी की झलक पाने के बाद हम बुरे कार्य करने जाएंगे तो हमारा हृदय ही धक्कारेगा। जब्राइल हमें गलत कार्य नहीं करने देगा, हमारे पैरों को फिसला देगा, हमारी बदनामी ज्यादा हो जाएगी, हम बुरे कार्यों की तरफ लिप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि राज जी के प्रति सच्चा प्रेम हो, और हम कहते ना कि राज जी मुझे माया के विकारों से बचाइए। यदि शुद्ध हृदय से कहें हर सुंदर साथ अपने विकारों को दूर करने के लिए रात को सोने से पहले ध्यान करें, और शुद्ध हृदय से कहें कि राज जी मुझे इस माया से हटा लीजिए, विकारों से बचा लीजिए, निश्चित है कि कुछ दिनों में ही परिवर्तन दिखने लगेगा। आप एक बार अपनी आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए राज जी से कहिए तो, लेकिन हम कहते नहीं, हम शरीयत के द्वारा कहते हैं। आप राज जी के को दिल में बसाकर, राज जी को ध्यान में बसाकर ये सोचिए कि राज जी कहीं दूर नहीं बैठे हैं, राज जी किसी मंदिर के बंधन में नहीं है, और तो और मूल मिलावे के भी बंधन में नहीं है। अर्श दिल मोमिन कया जामे अमृत सूरत, खिन्न छूटे मासूक से महबूब की मूरत। राज्य का दिल ही धनी का धाम है। आप जहां भी हैं अपने दिल में दिल की आंखों से देखिए, रू नैनो दीदार कर, आत्मा की आंखों से देखिए, रू जुबां हक सो बोल,
आप परात्म का श्रृंगार लेकर कभी भी राज्य से सीधे बात कीजिए, किसी बिचौलिए की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन परात्म का श्रृंगार तो सजना पड़ेगा। आपको इस शरीर का आभास बंद करना पड़ेगा। जब परात्म की शोभा लेकर आप राज्य को देखना चाहेंगे तो राज्य अवश्य दिखेंगे। उनके लिए जरूरी नहीं है कि इस धाम में जाएं, इस मंदिर में जाएं, यहाँ बैठें, संसार में आप कहीं भी हों। यदि आपके हृदय में सच्चा प्रेम है तो आप खेत खलिहान में भी बैठे हो, राज्य आपके पास हर पल पे, क्योंकि आपकी आत्मा के दिल में राज्य रहते हैं। ऊपर तले अर्चनक के या अर्श कहे मोमिन कलो, और ऐसा अक्षरातीत है जो अपने प्रेम का आनंद सागर अपने नेत्रों में लिए बैठा है और वो सारा सागर आपके हृदय में उड़ेल देना चाहता है, लेकिन आपका शरीर उस अनंत सागर के सौंदर्य को, अनंत प्रेम को, अनंत वहदत के सुख को, अनंत खिलवत के सुख को जितना झेल सकता है उतना ही मिलेगा। और इसलिए नेत्रों की विशेष महिमा है कि हमारी आत्मा राज्य के उन नेत्रों की शोभा को कैसे देखे। गुण नैनो क्यों क्यों कहूं रस भरी रंगीले। नेत्रों की शोभा का यहां वर्णन किया जा रहा है। महामती जी की आत्मा कह रही है कि गुण नैनो के क्यों कहूं रस भरे रंगीले, रस से भरे हुए। रस क्या है? काल माया के ब्रह्मांड में कितने रस हैं? 9 रस हैं। हास्य है, करुण है, रौद्र है, विभत्स है। इन रस 9 रसों की भावना केवल ब्रह्म में भी कर ली जाती है। यहाँ के भावों से प्रेम का प्रकटन जो है 9 रसों में होता है। मैं आपको छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। माँ अपने बच्चे के साथ हंसती है, वो हास्य रस है, हंस करके बोलती है। करुण है, उसको चोट लग जाती है तो करुण स्वर में अपनी व्यथा प्रकट करती है, तुमको चोट तो नहीं लगी। बच्चा बिच्छू को पकड़ना चाहता है, माँ कहती है कि मत पकड़ो, नहीं मानेगा तो क्या करेगी, चांटा भी लगा देगी। वो क्या है? विभत्स रस, भयंकर रस। चांटा लगाना भी एक प्रेम है। बच्चा रोता है तो रोने दो, क्योंकि यदि बिच्छू ने डंक मार लिया तो उसके लिए ज्यादा घातक होगा। तो प्रेम भयंकर रूप धारण करके आ रहा है। करुण है, हास्य है, व्यत्स है, वियोग है। 24 घंटा माँ अपने बच्चे को गोद में बैठाए रखेगी तो बच्चे का विकास नहीं होगा, इसलिए वो क्या करती है, थोड़ी देर अलग खेलने देती है। मैं आपको एक माया के स्तर पर प्रेम की 9 धाराओं को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। योग माया में इस प्रेम के अलग रूप होते, लेकिन परम धाम में 9 से भिन्न रस है। वह है वहदत का रस, एकत्व का रस। वह वहदत का रस योग माया में नहीं है, काल माया में नहीं है। हाँ, ब्रह्मात्माओं के हृदय में वहदत का रस है, ब्रह्मात्माओं के हृदय में खिलवत का रस है। निस्वत, वहदत, खिलवत, सब कुछ जो परम धाम में है एक जागृत ब्रह्मात्मा के अंदर हो जाता है। इससे कह रहे हैं रस भरे रंगीले। रंग कहते हैं आनंद को। राज्य के नेत्र आनंद के सागर हैं और उसमें परम धाम का वहदत का रस है, खिलवत का रस है, निस्वत का रस है, इश्क का रस है, सौंदर्य का रस है, 8 सागरों का रस उन नेत्रों में समाया हुआ है। मीठे लगे मरोरते, मीठे लगे मरोरते, अति सुंदर अलबेले। अलबेला किसको कहते हैं? विचित्र। ऐसे विचित्र हैं जिसका कभी वर्णन नहीं हो सकता। मीठे लगे मरोरते, नेत्रों को मरोड़ना। मरोड़ना का अर्थ क्या होता है? नेत्रों का कुछ चलायमान करना। आप देखे होंगे जब दो हृदय मिलते हैं, माँ का हृदय हो, बच्चे का हृदय हो, भाई भाई का हृदय हो, जब दोनों सामने होते हैं तो उनकी आंखें बता देती हैं कि उनके अंदर कितनी प्रेम की भावना है। मैं मानव तन की बात तो छोड़िए, बस पक्षियों पर जाए, एक बंदरी के सामने उसके बच्चे को कोई मार देता है तो बंदरी अपने बच्चे को एकटक होकर के देखती रहती है। एक पशु के अंदर इतनी प्रेम भावना होती है। मैंने कई बार चर्चा में लव वर्ड्स का वर्णन किया है। एक जोड़ा मर जाता है, जोड़े में से एक पक्षी मर जाता है, नर या मादा, तो दूसरा तुरंत प्राण छोड़ देता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी अलग होकर जिंदा रहना नहीं चाहती। ये माया के जीव
परमधाम की ब्रह्मात्माओं को चिल्ला रहे हैं कि ब्रह्मात्माओं हम तो माया के संबंधों में इतने समर्पित हैं, तुम्हारे लिए तो राज्य ने नख से सिख तक 7 बार श्रृंगार का वर्णन किया है। एक बार के श्रृंगार वर्णन में नख से सिख तक कभी चरण कमल का वर्णन किया जा रहा है, कभी मुखारविंद का वर्णन किया जा रहा है, नेत्रों का वर्णन किया जा रहा है। आप सोचिए एक कैसा कठोर हृदय है हमारा, जब कहा जाता है गौ रंग अति गालों के माहे गहरी लालक लिए। शब्दों के अर्थ में तो हम समझ सकते हैं कि बहुत सुंदर गाल भैं ऐसा है ऐसा है, जैसे दुनिया में हमने देख रखा है ये कल्पना कर लेते हैं कि बस ऐसा ही है, लेकिन जैसी हमारी कल्पना होती है उससे अनंत गुना वास्तविकता है, और उस वास्तविकता में जाने के लिए हमें अपने हृदय में प्रेम भरना पड़ेगा। उस प्रेम को भरकर जब हम राज्य की शोभा को निहारेंगे तो वास्तविकता से हमारा सामना होगा और हमारी आत्मा यहीं बैठे बैठे परम धाम का आनंद लेगी। इसके लिए सुंदर साधक को अपने कुछ तृष्णाओं का त्याग करना पड़ेगा, प्रतिदिन बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा। और गुजरात में जब भी मैं आता हूँ तो मैं तो कहता ही हूँ कि सुंदर साधक जी अपने खान पान में परिवर्तन लाइए। काफ़ी सुंदर साथ को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन मेरी तो व्यवस्था है, जो नियम है वो तो नियम ही है। आपको चितवनी में डूबना होगा, चितवनी का सुख लेना होगा, तो जो गरम गरम मसाले आप खाते हैं, तेल खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, आप नहीं छोड़ेंगे तो बैठे तो रहेंगे, ध्यान कभी नहीं लग पाएगा। आप सोचें कि इनका भी स्वाद लें और समाधि में पहुँच जाए, राज्य प्रत्यक्ष दर्शन देने लगे, कभी भी संभव नहीं। किसी भी परमहंस का आप जीवन देखिए, उसने अपने शरीर को कसौटियों पर कसा होता है, तृष्णाओं को छोड़ा होता है। राज्य के विरह में हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक बाबा फरीद एक सूफी फकीर हैं, उनको निराकार से परे का ज्ञान नहीं है, लेकिन 12 वर्ष घोर साधना में से निकले हैं, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया है। एक कौवा कंधे पर बैठकर, कौवा सोचता है कि कोई मरा हुआ आदमी है, चोट से उनके शरीर का मांस खाने लगता है। बाबा फरीद कहते हैं कि कागा तू सारा शरीर खा ले, लेकिन मेरी दोनों आंखों को छोड़ देना, क्योंकि ये दोनों आंखें पिया के दर्शन की प्यासी हैं। आप सोचिए एक माया का सूफी फकीर इतने करुण हृदय से, कितने प्रेम भरे हृदय से पुकार कर रहा है। हम सुंदर सा अवश्य कहलाते हैं, लेकिन हमारा हृदय पत्थर का है, हम किसी तरह का त्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन लहसुन प्याज के चटकारे, मिर्च के चटकारे, चाय कॉफ़ी के प्याले हमसे छोड़े नहीं जाते। फिर बैठे बैठे इस माया के संसार से हम राज्य के नेत्रों की शोभा को यदि देखना चाहते हैं, कुछ त्याग करना पड़ेगा, चितवनी में अपने को डुबाना पड़ेगा। जो गर्वे का आनंद है उसको कुछ कम कीजिए, स्वादिष्ट भोजन का आनंद कम कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि स्वादिष्ट मत खाइए, स्वादिष्ट खाइए, लेकिन जो तामसिक पदार्थ है उसका त्याग कर दीजिए, ताकि शुद्ध हृदय से बिना हिले डुले 1 घंटा तो बैठ सके। यदि आप 1 घंटे भी बैठने के लिए तैयार नहीं है तो राज्य तो सच्चे न्यायाधीश हैं। यदि बड़े बड़े सूफी फकीरों को, बड़े बड़े योगियों को 6-6 महीने की समाधि लगाने पर भी निराकार से परे की स्वीकृति नहीं मिली, तो आपके लिए राज्य परमधाम का सुख लेकर आए हैं। राज्य पक्षपात नहीं कर सकते, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए सब सुंदर साथ से मेरी प्रार्थना है, अब तक आपको जो भी जीवन रहा, आपने गर्वे में खूब नृत्य किए, रामते खेली है, खूब राज्य को 56 भोग लगाए हैं, अब अपनी आत्मा से राज्य को भोग लगाइए, अपनी आत्मा की दृष्टि खोलिए, परात्म का श्रृंगार सजिए और यहीं बैठे बैठे परम धाम का सुख लीजिए। राज्य के नेत्रों को देखिए, होठों को देखिए, गालों को देखिए, नख से सिख तक की शोभा को देखिए। राज्य ने 6ठे दिन की लीला में आपको आनंद का एक सागर दे दिया है, अब हमारे ऊपर निर्भर है कि उस सागर के मोतियों को कितना लूट पाए।